इसमें कमेंट करें, आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन करें, कोई आपको आंसर मिल गया किसी क्वेश्चन का तो क्वेश्चन करके उसका कमेंट में आंसर करें। और नीचे जो है ये देखें इसका वो डालें एड्रेस फॉर्म, डालने के बाद अपना नाम लिखें और साथ रोल नंबर लिख देना आपने, ठीक है अपना, और इसी तरह ईमेल डालें और इसको चेक कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा ना लिखना पड़े, पोस्ट कर दें। अब आपके क्वेश्चन का कोई रिप्लाई करेगा तो जो भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी तो सी आर नेक्स्ट टाइम हम या दो दिन दो वीक्स बाद तीन वीक्स बाद हम देखेंगे कि जिस जिसने पिछले सेशंस में कमेंट किया सारे इकट्ठे एक ही दफा उनके स्टार डाल देंगे यार इन्होंने अच्छा इनका क्वेश्चन की वेटेज किया है, आंसर कितना अच्छा लिखा है या सारा जो भी पार्टिसिपेशन के हिसाब से उसकी वेटेज डाल देंगे, ठीक है। तो ये भी प्लस पॉइंट, मकसद ये है कि आप आखिर में इसके प्लस पॉइंट मिले। और इसी तरह जो है आपने तो फिर ये एक दफा इसकी वैल्यूशन होगी फिर अगले सेशन में अगले से जो पिछले स्किप कर देंगे अगले सेशन में आप फिर इस तरह पार्टिसिपेट करते रहेंगे, ठीक है। अब हमने आज के सेशन के अंदर देखे तो इसके मैनुअल में सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं, तो अगर आप देखें तो इसके अंदर पार्ट्स में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पूरा डीजल जनरेटर हमने बनाया हुआ है। तो इसके अंदर आप देखें तो सबसे पहले एक इसके पार्ट्स देख लेते हैं, मेन कंपोनेंट्स अगर आप देखें तो इसके अंदर सबसे पहले डीजल इंजन है, ठीक है। तो डीजल इंजन मेन पार्ट होगा इसका, हम देखेंगे तो डीजल इंजन जो है वो आपका क्या करेगा प्राइम मूवर है इसमें, तो डीजल से चलेगा वो, ठीक है, सब पेट्रोल। तो डीजल इंजन ये कौन सा आपने पढ़े हुए हैं इस थ्योरी में, टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक, तो ये दो होंगे इसको हम देख लेंगे कि टू है यहाँ देख रहे हैं अभी कि इसके अंदर डीजल इंजन है जो कि मेन है प्राइम मूवर है और फोर स्ट्रोक हो सकता है या टू स्ट्रोक हो सकता है, उसकी थ्योरी हमने पढ़ी है, इसको मजीद भी अगर हमने एक्सप्लेन करना होगा तो बाद में कर लेंगे। इस तरह उसके बाद फ्यूल सप्लाई सिस्टम है, तो दूसरा इसका फ्यूल है कि इंजन को जो फ्यूल आ रहा है उसकी सप्लाई का जो सिस्टम है वो दूसरा पार्ट होगा, ठीक है। उसके अंदर देखें तो वो आपको डीजल इंजन को ये वैसे जो है इसका डीजल को जो डीजल प्रोवाइड करता है जो डे टैंक होता है जिसका एक टैंक होता है जिस बना हुआ है जिसके अंदर हम तकरीबन 24 आवर या कुछ जगह पे लिखा हुआ 8 घंटे या 24 घंटे तक हम इसको वो उसकी स्टोरेज रहती है उसके अंदर। तो फ्यूल टैंक ट्रांसफर पंप के जरिए हम इसको उसके अंदर जो है फ्यूल सप्लाई सिस्टम में हम इसको सप्लाई दे देंगे। इसी तरह जो है फिर एयर इनटेक सिस्टम है, एयर इनटेक सिस्टम जो है ये क्या करता है एयर जो इंजन को एयर सप्लाई करनी है, तो कंप्रेस्ड एयर भी हम इसमें एक पार्ट होता है कंप्रेस एयर सप्लाई करनी है, तो इंजन जब स्टार्ट होता है उसको कंप्रेस्ड एयर देते हैं उसके बाद जो है वो इग्नाइट होता है हाई टेम्परेचर उसमें वो प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ है उसमें। अच्छा उसके बाद एग्जॉस्ट सिस्टम है, तो एग्जॉस्ट सिस्टम में क्या होता है कि आपका इंजन जो है जो आपकी गैसेज है या सारी वो बर्निंग जो है वो सारा उसको एग्जॉस्ट करने के लिए आउटसाइड की बिल्डिंग जो है वो पूरा हमने एग्जॉस्ट सिस्टम बना होता है उसके अंदर जो है वो साइलेंसर भी इसी के पार्ट है ना, इधर कहीं लिखा आपने साइलेंसर, तो साइलेंसर भी इसी के पार्ट है एग्जॉस्ट के अंदर ही होगा साइलेंसर जो क्योंकि इसके अंदर काफी शोर होता है आवाज, तो इसको एक तो हमने बिल्कुल पैक किया होता है और पैक करने के बाद फिर हमने इस तरह ये साइलेंसर बना हुआ है, तो एग्जॉस्ट सिस्टम है और साइलेंसर है, ठीक है। साइलेंसर के जरिए हम इसको एग्जॉस्ट करते हैं, तो ये पूरा जो है इसको साउंड प्रूफ करते हैं और इसको ताकि जो है ना वो वरना इसकी आवाज थोड़ी होती है। अच्छा इसी तरह जो है आप देखें कूलिंग सिस्टम है, कूलिंग जो है आप लुब्रिकेशन ये कूलिंग सिस्टम आप देखें तो ये टावर है, तो कूलिंग आप क्या करेंगे कि एक टावर बना होता है और इस टावर के अंदर आपका इस तरीके से पानी जाता है, पानी जाने के बाद ये ड्रॉपलेट की शक्ल में इस तरह ड्रॉपलेट की शक्ल में नीचे गिरता है और नीचे से एयर हम इधर से जो है एयर जो है वो इसको यहाँ से एयर ऊपर करते हैं जाती है, तो एयर से वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद फिर कोल्ड वाटर जो है वो दोबारा कंडेंसर में आता है, तो कंडेंसर जो है वो समथिंग इस तरह का या इसको कंडेंसर को अगर आप बनाना चाहें ये वाला जो कंडेंसर है तो कंडेंसर जो है वो आपका इस तरह जो है वो इस तरह की चीज होगी, पानी इसमें सर्कुलेट होगा और इसकी जो बाहर वाली वॉल है उसके साथ जो है वो पानी कोल्ड वाटर जब टच होगा तो वही जो रेफ्रिजरेटर में अंदर सिस्टम होता है या इस तरह जो है वो ठंडा होता जाएगा, तो पानी जो है आपका जो सर्ज टैंकर है देखे यहाँ सर्ज टैंक इससे पानी जो वाटर पंप के जरिए कंडेंसर में आया यहाँ से वो ये पूरा कूलिंग सिस्टम मैकेनिज्म बना हुआ है, तो कूलिंग सिस्टम से ये ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद फिर दोबारा जो पंप कूलिंग पंप के जरिए से हमने जो है वो दोबारा इसके अंदर जो है वो डीजल इंजन जो है उसके अंदर वो दोबारा पानी चला गया, तो इस तरीके से ये पूरे प्रोसेस में ऑयल कूलर ये देखे ऑयल कूलर भी है, ऑयल जो है हम यूज करते हैं ऑयल कूलर, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो यूज सर्कुलेट हो रहा है यहाँ एक पूरे प्रोसेस के साथ और फिर उसको जो है वो हम एक सर्ज टैंक और वाटर पंप के जरिए जो है ना इस ऑयल को हम ये ठंडा करने का प्रोसेस कर रहे हैं और फिर ये जो कंडेंसर है उसके साथ एक लेयर लगी हुई है जो कूलिंग टावर वाली है जिससे हम जो है वो इसको, तो ये कूलिंग वाला प्रोसेस हो गया। इसके बाद आप देखें लुब्रिकेशन सिस्टम है, लुब्रिकेशन क्या करता है आपका जो पार्ट्स है उसको कंटिन्यूसली जो पार्ट्स जब चल रहे होते हैं उसके अंदर जो लुब्रिकेशन है उसको हम प्रोसेस कराते हैं ताकि जो है पार्ट्स जो है उसमें फ्रिक्शन ना हो, तो लुब्रिकेशन वाला कौन सा पार्ट्स है इसमें कहीं नजर आ रहा है आपको किधर ऊपर सर वो जो ऑयल इसके साथ अटैच नहीं किया इसको किधर अटैच करेंगे हम इधर इसके साथ किधर नीचे था ऑयल कूलर से
ऑयल कूलर अटैच होगा लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक से। किधर किधर आया ये ऑयल कूलर? अभी देखा ये वाला, ये ऑयल कूलर, ऑयल कूलर वहां से कनेक्ट हो रहा है। ऑयल कूलर किधर है? लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक से। लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक, हां यहां ये ऑयल कूलर है, यहां से आपका अटैच हो जाएगा इसके साथ। और उसके बाद लुब्रिकेटिंग पंप है, पंप से आप जो है ना वो ऑयल फिल्टर भी लगा हुआ है ताकि इसके अंदर डीजल में भी ये ऑयल के अंदर भी कोई इम्प्योरिटी आ जाए तो उसको हम फिल्टर कर सके, तो वो फिर डीजल इंजन के अंदर चला जाएगा। तो ये इसका पार्ट ही है जो कि हमने इधर लेजर से शो कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको वो कर सकते हैं, लुब्रिकेटिंग सिस्टम हो गया जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। अच्छा, उसके बाद स्टार्टिंग सिस्टम है। तो स्टार्टिंग के लिए क्या है? टू रोटेट इंजन इनिशियली। तो शुरू में करने के लिए एक तो छोटे इंजन है उनको आप हासिल कर सकते हैं, जिस तरह आपका मोटरसाइकिल का, मोटरसाइकिल की किक लगाते हैं तो इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। ट्यूबवेल भी है, ट्यूबवेल वाला इस तरह करके उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ बड़े हैं तो उसके साथ मोटर भी लगी होती है, मोटर वाला सिस्टम भी होता है डीसी मोटर, या फिर डीसी मोटर है तो उसके साथ बैटरी वाला सिस्टम भी हो सकता है, बैटरी सिस्टम से हम उसको स्टार्ट करें। तो इस तरीके से आपने तो कुछ थ्योरी भी पढ़ा है स्टार्टिंग सिस्टम में, और क्या चीज है थ्योरी में कुछ पढ़ी स्टार्टिंग के बारे में? डीजल इंजन के समय इंजन के मतलब पड़ा था, मतलब पूरा इसका सिस्टम नहीं, सिस्टम नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये आप इसको इंजन को समय रोटेट करना है, बड़ा इंजन है उसके लिए हमें कोई मशीनरी चाहिए, बड़ा स्टार्टिंग सिस्टम चाहिए, मैकेनिज्म जो कि ऑटो हो, बैटरी से हो, या वैसे एक्स्ट्रा जो है एक छोटा सा मोटर भी होती है। तो हम देखेंगे वहां इधर क्या लगा हुआ है सिस्टम स्टार्ट, ये वैसे इस तरह स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मेरे ख्याल में बैटरीज लगी हुई है शायद, इससे आगे मोटर लगी हुई है, डीसी मोटर थ्री फेज मोटर, इंडक्शन मोटर। वैसे इंडक्शन मोटर को चलाएंगे कैसे, उसको एसी सप्लाई कहां से देंगे? तो मेरे ख्याल में डीसी होती है, डीसी बैटरी होती है, डीसी से ज्यादा सीरीज मोटर का टायर काफी ज्यादा होता है डीसी सीरीज मोटर। तो हम वो चेक करेंगे कौन सी मोटर है, तो डीसी मोटर लगा के उससे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एक दफा चलाना है इसको, जब चल पड़ा सर उसमें एक मैकेनिज्म होता है जो बैटरी के साथ कनेक्ट होता है और वो हमेशा सर्कुलेट होता है, जब हम चाबी लगाते हैं घुमाते हैं तो उसी टाइम पे वो स्पार्क प्लग वहां पर लगता है, जिसकी वजह से। और डीजल इंजन के अंदर ये क्या होता है, कंबस्टन चार प्रोसेस क्या है इसके? इसमें स्पार्क प्लग नहीं होता सर, इसमें कंबस्टन होता है, इसलिए इसका कंबस्टन, यस इसका कंबस्टन भी ज्यादा होता है, कंप्रेशन ज्यादा होता है तो कंबस्टन ज्यादा है ना, इसमें एक कंप्रेशन है तो और कौन सा है, एक तो शुरू में जब आप पिस्टन को मूव कर रहे हैं ना उसके लिए मैंने आपको बताया कि स्टार्टर मैकेनिज्म, या तो हम मोटरसाइकिल कैसे लगाते हैं या उसको चलाते हैं, या एक्सटर्नल आपने कोई भी सोर्स लगाया होगा जिससे आपने एक दफा उसको मूव कराना है, ठीक है। पेट्रोल में तो होते ही, पेट्रोल में तो होता है, क्या होता है पेट्रोल में स्पार्क ही होता है, इग्निशन चाहिए होती है ना, स्पार्क प्लग के जरिए हम इग्निशन देते हैं पेट्रोल में, उसमें स्पार्क प्लग से इग्निशन कर देते हैं, क्या नहीं इसमें क्वेश्चन तो ठीक है इनका, क्या आंसर होगा फिर? अभी वो क्योंकि मोटरसाइकिल में वो बैटरी छोटी होती है, अगर वो एक दफा दो दफा मिस हो जाए फिर वो डिस्चार्ज होती है पूरी बैटरी, तो ऑटो अवेलेबल है, ऑटो भी चल रहा है और बाकी भी अच्छा। अच्छा ये हो गया आपका अरेंजमेंट, रोटेट इंजन स्टार्टिंग सिस्टम है ये, इसका समझ गया। इसके बाद है एसी या डीसी जनरेटर। अब डीजल के आगे हमारे जनरेटर लगा होगा, तो ये पूरा डीजल इंजन पावर प्लांट जो होगा उसके आगे जनरेटर होगा, जनरेटर भी देखेंगे आगे उसकी क्या रेटिंग है कितने का है। तो वैसे हमारे जो है ये मेरे ख्याल में जो है वो 256 किलोवाट का एक है, 312 केवीए के, तो 256 किलोवाट का एक है, 512 किलोवाट के दो बल्ब लगे हुए हैं, 512 किलोवाट के, वो हम जाके देख लेंगे उसको, ठीक है उसकी डिटेल। तो ये आपका होगा जनरेटर, जनरेटर के आगे तो कंट्रोल पैनल लगा होगा, कंट्रोल इधर जनरेटर आपने छोड़ दिया हाँ लास्ट में आई है ये किया हुआ। तो ये डीजल इंजन जो यहाँ होगा डीजल इंजन, इसकी शैप के साथ आगे जनरेटर होगा, और जनरेटर जो है आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा, और इसके आगे कंट्रोल पैनल और आगे सारी वो चीजें होंगी। इसमें अगर शुरू में देखें हम डीजल इंजन के बाद फ्यूल सप्लाई सिस्टम, ये किधर बनाया आपने?
ये वाला ना तो मेन टैंक है, ये आपको वायर नजर आएगा मेन टैंक से, है ना, वायर आपको पंप से वायर होगा ना, तो मेन टैंक होगा, उसके बाद पंप के बाद फिर आपका फ्यूल टैंक भी आएगा, डे टैंक आएगा, उसके बाद आपका फ्यूल फिल्टर और उसके बाद आपका डीजल इंजन आ जाएगा। तो ये इसका प्रोसेस हो गया। इसके बाद जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है वो किसने बनाया आपने? ये फ्यूल सप्लाई हो गया, ये एयर इंटेक कौन सा बनाया? ये पूरा फ्यूल, ये पूरा एयर इंटेक है, ये एयर फिल्टर लगा होगा सब पर, और इसके बाद जो है एयर इंटेक होगी, ठीक है, ये पूरा एयर एयर एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्ट हमने कर लिया, बाकी कूलिंग सारा कूलिंग वाला भी हो गया, बाकी सारे हो गए, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो था इसका डीजल इंजन का। इसके हमने पार्ट्स जो है वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जाके उसको ये उसको अरेंज करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे खुद ही करना, मुझे कहना पड़ेगा, बस ये बेफिक्र हो गया, ठीक है।